प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शस्त्र पाठा अलसा बाला, आलसी बालक। एक आलसी बालक की कहानी है। किस प्रकार से वो अपना कार्य नहीं करता था और पढ़ने से जी चुराता था। चलो शुरू करते हैं। एका अलसा बालका आसीत। एक आलसी बालक था। सस्व कार्यम अपि कदापि न अकरोत्। वह अपना कार्य कभी भी समय से नहीं करता था। सा नित्यम पाठशालायां न अगच्छत्। वह रोज पाठशाला नहीं जाता था। कक्षायां कार्यम समयकम न करोत्। और जो कक्षा का कार्य होता था उसको भी ठीक प्रकार से नहीं करता था। सा एकदा अचिन्तयत्। वह एक बार सोचता है। अद अहम विद्यालयम न गमिष्यामि। आज मैं क्या करूँगा, विद्यालय नहीं जाऊँगा। उद्यानम गत्वा कंदुकेन पक्षिभिः सह क्रीडिष्यामि। बगीचे में जाऊंगा और कंदुकेन यानी गेंद के साथ पक्षियों के साथ खेलूंगा। तत्सा उद्यानम अगच्छत। और उसके बाद वह बगीचे में आ जाता है। उद्याने एका अपि जनाना आसीत। बगीचे में एक भी आदमी नहीं था। शाखायां सा एकम काकम अपश्यत। एक पेड़ की टहनी से एक कौवा देख रहा था। बालका अवदत। बालक कहता है, हे काका, हे कौवे, आगच मया से किड़, आओ मेरे साथ खेलो। काका अवदत। कौवा कहता है, भो बालका, हे बालक, इदानीम प्रातः बेला अस्ति। इस समय क्या है, सुबह का समय है। अहम जन जागरणाय गच्छामि। मैं क्या करूँगा इस समय, जन जागरण यानी लोगों को जगाने का कार्य करूँगा। मम बहु कार्यम अस्ति। मेरे पास तो इस समय बहुत सारे कार्य हैं। अवकाशा नास्ति, छुट्टी नहीं है। तोमेव क्रीडति, तुम ही खेलो। तत्सा उद्याने कपोतान अपश्यत। तब वह उद्यान में यानी बगीचे में एक कबूतर देखता है। सा तान अकथयत। वह उससे कहता है, भो मित्रा मित्राणि अगच्छत क्रीडामा। हे मित्र, आओ खेले। एका कपोता अवदत। एक कबूतर कहता है, अधुना वयम भोजनाय क्षेत्रम गच्छामा। अभी क्या है, भोजन के क्षेत्र यानी भोजन के कार्य के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, खेत में जा रहा हूँ। शोभनाम बेलाम वयम न यापिष्यामा। मेरे पास क्या है, इस समय खेलने का समय नहीं है। मेरे पास क्या है, बहुत सारे कार्य हैं, इसलिए तुम क्या करो, अकेले ही खेलो। इस प्रकार से उस आलसी बालक को कोई भी अपने साथ खेलने के लिए नहीं मिलता है। वो कौवे को पूछता है, कबूतर को पूछता है। इस प्रकार से खेलने के लिए उसको जब कोई नहीं मिलता है तो उसका आगे वाला, इसके आप क्या करेंगे, इसका अर्थ लिखेंगे और इसके आगे वाला पाठ हम सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे।